अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए फाइवर का तावन हासिल है। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं या लोगों को अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो फाइवर इज द प्लेस फॉर यू, जहां पर आपको राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, ब्लॉगर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिजिटल मार्केटर्स, आर्किटेक्ट्स, वेब डेवलपर्स सब एक छत के नीचे मिलेंगे। तो आज ही फाइवर ट्राई करें और 20% तक डिस्काउंट हासिल करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो शुरू करते हैं। This is me, और मुझे नहीं पता कि मैं गेम्स पे इतना टाइम क्यों स्पेंड करता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया में 2.5 अरब लोग गेम्स खेलते हैं। क्यों खेलते हैं, क्या वजह है, क्या हासिल करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम ये समझ जाएं कि गेम्स का सही इस्तेमाल क्या है तो हम इस एक्टिविटी को एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि गेम्स को हम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव तब बनेंगे जब हमारे टाइम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई प्रोडक्टिविटी हो, हम कुछ सीखें। तो ये आज हमने जानना है कि गेम्स जो हैं वो एडिक्टिव क्यों हो जाती हैं, कि हम बैठे रहते हैं, चिपक जाते हैं उसके साथ। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है इमरान जाहिद, जो कि गेम डेवलपर हैं, दुबई में होते हैं, सीरियस और ट्रेंडिंग गेम्स बनाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि गेम्स एडिक्टिव क्यों होती हैं। तो एडिक्टिव कोई भी चीज क्यों होती है, वो इसलिए होती है तब आपको उसको खेलने में मजा आता है। फ्लैपी बर्ड जैसे एक गेम था ना, वो बिल्कुल एक बेसिक सा गेम था, मतलब उसके अंदर आपने करना क्या, छलांगे मारते रहना है और आप आगे बढ़ते रहेंगे। वो एडिक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि वो इजी टू प्ले है। द मोमेंट आप लेवल्स रीच करते रहेंगे आफ्टर 2-3-5 मिनट्स, वो गेम मुश्किल होता जाएगा, तो वो चैलेंजिंग पार्ट आता रहता है। गेम प्ले पैटर्न होता है वो बेसिकली इजी, एंड देन इट्स गेटिंग हार्ड एंड हार्ड, फिर वो फिर मुश्किल होता रहता है। आई थिंक ये एक वजह है एडिक्टिव होने की, कि वो चैलेंजिंग होता रहता है। जब भी आप किसी चीज को परचेज करने जाते हैं उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद होता है, जबकि गेम्स को ऐसे डेवलप किया जाता है कि आप खेलते हुए सीखते हैं। फर्ज करें आप मारियो ब्रदर पहली दफा खेल रहे हैं, आपने मारियो को देखा जो उल्टे हाथ की तरफ खड़ा है और उसके मुंह का रुख सीधे हाथ की तरफ है, जिससे आप ये जान जाते हैं कि मारियो को दाएं तरफ ले जाना है। गेम्स को इस कदर आसान बनाया जाता है ताकि आप अपनी गलती से फौरन सीख लें। इसके बाद ये बॉक्सेस आते हैं, ये हमारी फितरत है कि हम छुपी हुई चीज़ को देखना चाहते हैं। यही वजह है कि आज भी गेम्स मिस्ट्री बॉक्सेस से भरी पड़ी है। फिर आप बॉक्स को खोलते हैं और अवार्ड मिलता है। यही वो तीन चीज़ें हैं जो आपको एक गेम की तरफ खींचती हैं। आज की दुनिया में मोबाइल का इस्तेमाल आम हो चुका है, जिसकी वजह से हम मोबाइल गेम्स के जरिए लर्निंग, एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग का काम ले सकते हैं, जिसके लिए इनिशिएटिव की जरूरत है। तो US मिलिट्री या जितनी भी दुनिया की जो लीडिंग फोर्सेज हैं वो क्या करती हैं कि वो अपनी ट्रेनिंग होती है वो सिमुलेशंस के थ्रू देती हैं। क्यों देती हैं, बिकॉज जो उनकी जो कॉस्ट है, अगर वो एक बैटलफील्ड में लेके जाएंगे, रियल बुलेट्स यूज करवाएंगे और वो उनको ट्रेन करेंगे तो उनको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इसके बरक्स वो क्या करते हैं कि आपको वो सिमुलेशंस के थ्रू, आपको गेम्स के थ्रू, जिनमें गेम्स में कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक या इससे मिलती हुई इसी जॉनर की गेम्स, जैसे ये गेम्स तो ऐसी हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। कुछ गेम्स होती हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज की होती हैं, उसके अंदर इसी तरह से कि जो भी फाइट्स हैं या फिर अगर आपको कोई टेररिस्ट है उनको मारना है, फिर एक किसी को अगवा किया या किसी को जो कैप्चर किया हुआ आपको उसको रिलीज करवाना है, तो ये तमाम सिचुएशंस होती हैं। शॉर्ट के गेम्स काफ़ी होते हैं जो कि इस तरह से बनते हैं। तो इन शॉर्ट के जैसे गेम्स हैं पबजी वगैरह, अगर आप इन्हीं को लेके किसी एजुकेशनल गेम्स पे जाओगे तो मेरे ख्याल से ये निकली ही किसी एजुकेशनल गेम्स से, समझ रहे हो, मतलब एक सर्कल हो जाएगा। क्योंकि पहले वो एक ट्रेनिंग पर्पस गेम्स होती थी जो कि सिमुलेशंस के थ्रू बनी, देन वो फिर रिलीज हुई फॉर द पब्लिक, फिर पब्लिक ने उनको एंटरटेनमेंट और फिर गेमर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उसको खेल सके। उनके लिए पाकिस्तान इससे पहले टॉप गेम्स प्रोड्यूस कर चुका है। हम गेम्स के जरिए अपनी माशरत, सकाफत और तारीख अपनी नौजवान नस्ल तक आसानी पहुंचा सकते हैं, जैसा कि शहरों का फैलाव, 1965 और 71 की जंगें, खेती बाड़ी, जहाजरानी। गर्ज ये कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसको हम गेम्स के जरिए अपनी नौजवान नस्ल तक ना पहुंचा सकें। अब ये गेम डेवलपर्स और हम पर मुनहसर है कि हम गेम्स को प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, जो हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी की नवीद साबित हो।